क्रांति की शुरुआत जो है वो कुछ नीलतांर नहीं होती है क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति होने से

मैं बायोटेक्नोलॉजी को एक साथ ही ले रहा हूं इसलिए लेक्चर का जो नंबरिंग है वो क्रम से जा रहा है के एट के बाद नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थ के सो ऑन तो यहां पे दोनों चैप्टर को मिलाकर मैं एक सिंगल चैप्टर के रूप में ले रहा हूं आपका जो आपका एनसीआर में दो अलग अलग चैप्टर रखे हैं उनको हम एज ए सिंगल चैप्टर ही बेटा ले रहे हैं यहां हम ठीक है ना क्लियर तो कंफ्यूज मत होना क्लियर है हम प्रिंसिपल प्रोसेस कवर कर चुके हैं अब क्या पढ़ने वाले विटाम तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में क्या रोल होता है वो देखेंगे हम के एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन में बायोटेक्नोलॉजी ने क्या रोल प्ले किया उसको देखेंगे हम फिर व्हाट आर दी बायोटेक्नोलॉजिकल मिराकल्स इन द एग्रीकल्चर यानी कृषि में हमने बायोटेक्नोलॉजी से कौन कौन से हमने जो है वो जादुई कारनामे किए मतलब ये कि जो अनएक्सपेक्टेड था उसको भी हमने क्रिएट करके कर दिखाया यहां पे हमने तके. हम बात करेंगे कि बेसिलस थोर बैक्टीरिया किस तरह के होते हैं और इनसे इन हमने कैसे जो है वो बीटी टी वेराइटीज को तैयार किया है क्रिस्टल प्रोटीन क्या होता है जीन क्या होता है बीटी कॉटन क्या होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं ये सब का सब हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे ईच एंड एवरी स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट याद रखना लेक्चर के दौरान जो भी इंफॉर्मेशन आपको बताई जाएगी वो सब बड़ी काम का बेटा एग्जाम में सीधा सीधा पूछा है हंड्रेड परसेंट कवर करेंगे यहां जरूरत पड़ेगा बिटवीन लाइंस ऑफ बियॉन्ड जाएंगे हम ठीक है हमारा पर्पज ये एग्जाम के सारे क्वेश्चन हमसे बनना चाहिए चलिए तो आज लेक्चर शुरू करने के पहले हम आज के क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपके सामने स्क्रीन पर एक के बाद एक कुछ क्वेश्चन आएंगे तो मैं भी साथ में सॉल्व करता हूं आप भी साथ में सॉल्व कीजिए हम एग्जाम के क्वेश्चन की एक प्रकार से प्रैक्टिस कर रहे हैं ठीक है चलिए तो पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर हमको दिखाई पड़ रहा है वो क्वेश्चन है इन जेनेटिक इंजीनियरिंग द एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स आर अनुवांशिक अभियांत्रिकी में का क्या उपयोग होता है ठीक है ऑप्शन देखिए ऑप्शन ए है ए एलेक्टेबल मार्कर ऑप्शन बी है टू सिलेक्ट हेल्दी वेक्टर्स ऑप्शन सी है ए सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स ऑप्शन डी है टू कीप द कल्चर फ्री ऑफ इंफेक्शन हिंदी में बोल रहा हूं मैं अनुवांशिक अभियांत्रिकी में एंटीबायोटिक्स का क्या उपयोग होता है एक चयनित मार्कर के रूप में ठीक है स्वस्थ वैक्टर को चुनने के लिए उस क्रम के रूप में जहां से रेप्लिकेशन शुरुआत होता है और कल्चर को इंफेक्शन से मुक्त रखने के लिए टू कीप दी कल्चर फ्री फ्रॉम इंफेक्शन क्या आंसर है इसका बेटा बताइए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हम करते हैं एज सेलेक्टेबल मार्कर के जो ट्रांसफॉर्मेंट सेल होती है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती है और जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल होती है वो एंटीबायोटिक के लिए सेंसिटिव होती है पढ़ा है पढ़ा ना बेटा हमने इंसर्शन इनएक्टिवेशन को भी पढ़ा हुआ है हमने हमने देखा हुआ है कैसे हम सिलेक्टेबल मार्कर कैरेक्टर के रूप में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को इस्तेमाल करते हैं तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं एज ए सिलेक्टेबल मार्कर करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑल इंडिया पीएमटी में ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है ठीक है क्वेश्चन नंबर टू ए जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म सेल इज नोन एज उस जीन को हम क्या कहते हैं जिसके एक्सप्रेशन से प्रकृतिकरण से हम ट्रांसफॉर्मेंट सेल यानी ट्रांसफॉर्मेंट सेल वो सेल होती है जिसने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को रिसीव किया होता है उसे हम ट्रांसफॉर्मेंट सेल कहते हैं तो उसको पहचानने के लिए किस जीन का एक्सप्रेशन काम करता है तो पहला जो क्वेश्चन था उसी से जुड़ा हुआ है दूसरा क्वेश्चन भी है देखिए कैसे वैरायटी और दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी नीट के अंदर पूछा गया है 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है प्लाजमिड ऑप्शन डी रखा है स्ट्रक्चरल जीन क्या आंसर इसका बेटा सिलेक्टेबल मार्कर और वो जीन क्या होते हैं एंटीबायोटिक रजिस्टर जीन होते हैं क्लियर तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी आ गया दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी ए आया यहां पर ठीक है पे. फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड अब देखो ये सब क्वेश्चन अलग अलग है अलग अलग एग्जाम में पूछे गए और आप देखिए ट्रेंड देखिए इन क्वेश्चन के पूछने का है ना इसका मतलब ये कि एक एग्जाम एक का क्वेश्चन आता है तो दूसरा एग्जाम वाला उस क्वेश्चन को उठा के अपना क्वेश्चन फ्रेम कर लेता है इसलिए पुराने सालों के पेपर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री दी फंक्शन ऑफ ए सिलेक्टेबल मार्कर इज एक चयनित मार्कर या सिलेक्टेबल मार्कर का कार्य क्या होता है तो ऑप्शन ए जो है वो ऑप्शन ए देखा इसमें इलिमिनेटिंग ट्रांसफॉर्मेंट एंड एंडिनेटिंग परमिटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ट्रांसफॉर्मेंट को हटा देना और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को बनाए रखना ये तो गलत है उल्टा बोल दिया है तो उसमें एक्चुअली में हम क्या करते हैं सिलेक्टेबल मार्कर करेक्टर का यूज किसके लिए करते हैं ताकि हमारा ट्रांसफॉर्मेंट को हम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग कर सके ठीक है थीके? तो पहला तो गलत हो गया आइडेंटिफाई दी ओरी साइट इसका कोई रोल नहीं है यहां पर ऑप्शन तो सी है इलिमिनेशन ऑफ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड परमिटिंग ट्रांसफॉर्मेंट जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है जिनके अंदर अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं आया जिन के उनको हटा देना और केवल वो ट्रांसफॉर्मेंट जिनके पास आर डीएनए प्रेजेंट है उनको सिलेक्ट करना उसके लिए हम सिलेक्टेबल मार्कर का उपयोग करते हैं तो आंसर हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर आ गया है सी ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर देखिए ये सारे क्वेश्चन का पैटर्न एक समान है बेटा है ना क्वेश्चन नंबर देखिए आप स्क्रीन पर एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन वैक्टर यूजली हेल्प इन दिलेक्शन ऑफ एक वैक्टर में जो एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन होता है वो किस किस प्रकार के किसके चेन किसके के में भूमिका निभाता है किसके चेन में मदद करता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन अ वेक्टर यूजली हेल्प इन दिलेक्शन ऑफ तो ऑप्शन ए है कॉम्पिटेंट सेल

तो क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं आइडेंटिफाई दी प्लाज्मिड अमंग्स फॉलोइंग के निम्नलिखित दिए गए में से आप प्लाज्मिड को पहचानिए बेटा के तो देखिए ए एल यू आलू फर्स्ट एच आई हिंद थर्ड इको आर फर्स्ट पीवीआर थ्री टू टू बताइए कौन सा प्लाज्मिड है देखो जो

जिन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया तो बी का मतलब, आर का मतलब है और मिला था तो ये उसका सीक्वेंस है तो अब हमें समझ में आया कि पी वी थ्री टू टू का मतलब क्या है पी फॉर प्लाजमिट बी फॉर वॉलीवर आर फॉर रॉड्रिक साइंटिस्ट के नाम है ये और ये दोनों साइंटिस्ट जो है ये जो है वो आ, कैलिफोर्निया जो कैलिफोर्निया uh, यूनिवर्सिटी में नाइनटीन में उन्होंने काम किया और उन्होंने ये खोज निकाला जिसका और याद रखिएगा पीवीआर वी थ्री का सबसे अधिक इस्तेमाल होता है एनिमल जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्लियर तो बी फॉर वॉलीवर आर फॉर रॉड्रिक और थ्री टू टू मतलब तीन सौ बासवें नंबर पे खोजा गया ठीक है तो ये आंसर क्या आया बेटा इसका आंसर आया क्वेश्चन फाइव का आंसर आया डेल्टा डी क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं आप देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है वो जो, ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है हालांकि ये क्वेश्चन ऑल इंडिया पीएमटी में नहीं आया है ये क्वेश्चन आया है, जो है वो एम एस सी टी में क्वेश्चन आया हुआ है लेकिन इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बेटा आ सकते हैं और ये बड़ा मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछा गया क्वेश्चन है और ये ओलंपियाड के अंदर भी क्वेश्चन दो बार पूछा गया क्वेश्चन है प्लाज पीवीआर थ्री टू प्लाजमिट पीवीआर थ्री टू टू में बी आर का मतलब क्या है आप फटाफट आपके सामने आंसर है बिल्कुल सही आपने कहा स्क्रीन अभी, अभी, पर है विच अमंग्स फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाजमिट के विच अम्स द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाजमिट के कौन सा कोड जो है प्लाजमेट के रेप्लिकेशन में प्रोटीन बनाने में भूमिका निभाता है तो आ, जो है पहला रखा औरी, औरी क्या होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन ये वो जगह होती से, की होती है है यहां से की शुरुआत ठीक रोप क्या होता है रोप इज दिस सीक्वेंस बेटा रोप वो सीक्वेंस है जहां से जो है वो वो प्रोटीन बनते हैं इससे जो रेप्लिकेशन के लिए प्लाज्मिट के रेप्लिकेशन के लिए रिक्वायर्ड प्रोटीन जो है वो रोप वाले पार्ट से बनते हैं ठीक है ए एम पी आर क्या है एमपी रेजिस्टेंस जीन है ओके पी वी ओ क्या है बेटा ये रेस्ट्रिक्शन साइट है ये ये रेस्ट्रिक्शन डोनिप के लिए एक साइट होता है ठीक है इसीलिए आपके एनसीईआरटी में जो प्लाजमेट का स्ट्रक्चर दे रखा है बेटा उसकी सारी सिलेक्टेबल मार्केटमेट का स्ट्रक्चर बड़े ध्यान से देख लीजिएगा तो उसमें टेट आर एम आर ठीक है ये सब अच्छे से देख लेना उसका कोई, 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 कोई लेवलिंग के लिए आता है चलिए आप क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं तो आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 8 the phenomena in which the recombinant dna fragment disturb the coding sequence of a gene is called वो घटना जिसमें कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए फ्रैगमेंट जो है वो एक कोडिंग जीन के सीक्वेंस को डिस्टर्ब कर देता है उसे क्या कहते हैं तो मैंने आपसे कहा था किसी कोडिंग जीन के बीच में दिया आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जोड़ दिया है तो वो कोडिंग जीन काम नहीं कर पाएगा और उसे हम बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन देखिए क्या आंसर है इसका इंसर्शनल in इनएक्टिवेशन तो एट का आंसर हो गया ए क्वेश्चन नंबर ए ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड वाइडली यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट इज दैट ऑफ एक एक ट्यूमर उत्पन्न करने वाला प्लाज्मिड जिसका उपयोग ट्रांसजेनिक प्लांट को बनाने में बड़े पैमाने पर करते हैं वो किससे मिलता है तो ऑप्शन ए है आपके सामने एस्टिराकोलाई ऑप्शन बी है बेसिलसुनजेंसिस ऑप्शन सी है स्टेफाइलोकोक ऑरियस ऑप्शन डी है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमी ट्यूमी मतलब तो ट्यूमर वर्ड लगा हुआ है ट्यूमी तो आंसर आ गया इसका डेल्टा डी चलिए आज का हम लास्ट टेंथ क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर टेन है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज ए

यकीन कर रहा हूं सही यकीन कर रहा हूं ना कि दस के दस आपने सही किए क्वेश्चन तो हमको बेटा ऐसे ही सीखते जाना है और देखो जो पढ़ रहे हैं ना उसका एप्लीकेशन वाला पार्ट हमको आना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ठीक है इसके अलावा डीपीपी लगाते रहिए और परफॉर्मेंस शीट को बेटा मिस नहीं करना है पढ़ते रहना है और आप, और जो है मॉक टेस्ट की और जो तृतीय टेस्ट हो रहे हैं उनकी तैयारी लगा बनाए रखना है और हमको रिवीजन पर भी पूरा पूरा फोकस बनाए रखना है बेटा भी ठीक है चलिए तो अब लेक्चर नंबर नाइन को कंटिन्यू करते हैं काफी कुछ सीखना है उसमें हमको तो चलिए लेक्चर चालू करते हैं हेलो कमांडोज वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन आई एम डॉ जीतेंद सिंह हम पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में हमने पिछले लेक्चर्स में क्या सीखा बेटा हमने देखा कि पूरा का पूरा प्रोसेस कि कैसे बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस को हम ऑपरेट करते हैं कैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं ठीक है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होता है पीसीआर क्या होता है जेल इलेक्ट्रोफोरिस क्या होता है बायोलिस्टिक्स का मतलब क्या होता है तो मैंने आपको पहले भी कहा है बेटा कि जहां जो इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी है ना उसको आप एक कॉपी में कहीं पर नोट कर लिया कह रहे हो ठीक है और फिर टर्म से जो है वो याद करने की कोशिश किया करो कि इसका मतलब क्या था फॉर एग्जाम्पल कि रिकॉमिनेट डी टेक्नोलॉजी वर्ड का मतलब क्या ठीक ठीक ठीक, है, 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 है वर्ड 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 का मतलब का का मतलब 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 क्या है, है ना? फिर, टेक क्या क्या जेल ना, फिर आपको जो टर्मोलॉजी है ना वो एक जगह पे नोट कर लेना चाहिए ताकि उस जो है, उसको बार बार देखते रहें तो मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन के ऊपर आते हैं एग्जाम के अंदर तो हम पूरा प्रोसेस समझ चुके हैं कि कैसे हम वेक्टर का यूज करते हैं कॉस्मिट क्या होते हैं फॉस्मिट क्या होते हैं हाइब्रिड वेक्टर क्या होते हैं शटल वेक्टर क्या होते हैं याद है ना पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था ठीक है चलिए फिर बैक्ट्रल आर्टिफिशियल क्रोमोजुम क्या होते हैं ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजुम क्या होते हैं देखा हमने उसके बाद हम आए आगे आगे बढ़े हम अब हम बात कर रहे हैं बेसिकली कि बायोटेक्नोलॉजी का जेनेटिक इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन वाला पार्ट क्या है यानी हमने जो कुछ सीखा है जिन प्रोसेस को हम जानते हैं उन प्रोसेस को हम जो है वो किस प्रकार से उपयोग करते हैं हमारे जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने में हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में उसका क्या रोल है ठीक है तो मैंने आपसे कहा था बेटा कि एग्रीकल्चर के फील्ड में काम आता है मेडिसिन के फील्ड में काम आता है ठीक है ना देर आर लॉट्स ऑफ ऑस्पेक्ट कई सारे अलग अलग ऑस्पेक्ट हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के फील्ड के बारे में कि कृषि देखो बेटा अब प्रश्न उठता है कि वाई एग्रीकल्चर इज इंपॉर्टेंट तो कृषि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है बेटा सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य की पहली आवश्यकता क्या है व्हाट इज द फर्स्ट नीड के तो हम कहते हैं देखिए हर आदमी की आवश्यकता होती है जो बेसिक जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं रोटी कपड़ा मकान ठीक है भाई खाने को पर्याप्त भोजन होना चाहिए क्या पहनने को ठीक ठाक वस्त्र होना चाहिए एक ठीक ठाक घर होना चाहिए रहने के लिए क्या आदमी की बेसिक नीड में आता है ये चीज़ ठीक है अब इंपॉर्टेंट बात क्या और उसमें रोटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो फूड है एंड फूड ही तो देखिए हम जो है वो आ, जो जो भोजन है दुनिया के सारे जानवर एनिमल्स दे, को देख लें आप इकोलॉजी हम जब हम पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे तो सभी एनिमल्स का पहला रिक्वायरमेंट क्या होता है फूड okay. तो फूड के लिए तो फूड जो है वो ह्यूमन विंग्स का ही पहला रिक्वायरमेंट है तो टू तो, इंश्योर तो, तो दे प्रॉपर सप्लाई ऑफ फूड भोजन की प्रॉपर सप्लाई को इंश्योर करने के लिए खेती को शुरू किया हमने मालूम है कृषि करना हमने जब ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ा था तब तो कहा था हमने कि टेन थाउजेंड आज से दस हजार वर्ष पहले मनुष्य ने कृषि करने की शुरुआत की थी याद है आपको ठीक है तो एग्रीकल्चर बेसिकली क्या होता है किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और एग्रीकल्चर जो होता है वहां पर फूड की सप्लाई को जो है इंश्योर करता है ताकि पॉपुलेशन को पर्याप्त भोजन मिल सके के। तो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम क्या करते हैं हम एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं के। तो क्या लिखा देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट के बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर के कृषि में बायोटेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग के देर आर थ्री ऑप्शन दैट कैन बी थॉट फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन के देखिए हमारे पास तीन विकल्प होते हैं हमारे पास तीन विकल्प हैं कि हम किस प्रकार से अपने खेत कृषि -कर्ष, उत्पादन को बढ़ा सकते हैं देखिए हर साल हो क्या रहा? प्रैक्टिकल बात यह है कि जमीन है जो हमारे पास लैंड जमीन है वो फिक्स है वो फिक्स है वो बढ़ नहीं सकती है क्या यानी जो अर्थ पर जितना भी लैंड है वो फिक्स है उसको हम बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं हम के तो अब इंपॉर्टेंट बात ये कि उस लैंड पर जो है हमको खेती करना है पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है तो अब क्या हो रहा है कि कि जो जो रिसोर्सेज उनके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है है के अब चाहते है कि जिस जिस खेत में हम जो है पहले क्विंटल अनाज पैदा करते थे आज हमें उस खेत के अंदर बीस क्विंटल अनाज पैदा करना चाहिए ताकि लोगों को फूड मिल सके ठीक है हम चाहते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन है और जो साथ में जो क्वांटिटी क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी वो बढ़ जाए है ना भोजन के हम नए स्रोत को भी ढूंढ रहे हैं नए रिसोर्सेज भी ढूंढ रहे हैं तो अभी हम वो सब चीजों पर नहीं जाते हैं हम अभी हम बात कर रहे हैं केवल खेती के ऊपर तो जो खेती है उसे बढ़ाने का या कृषि को अधिक उत्पादन बढ़ाने का तरीका क्या है पहला तरीका जो हम सब देखते हैं अपने आसपास वो है एग्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल करना आज किसान लाइनों में खड़े होते हैं क्योंकि उनको यूरिया चाहिए ठीक है किसान जो है फर्टिलाइजर के लिए जो है वो तमाम तरीके की सरकार की गवर्नमेंट जो सप्लाई होती है उसके लिए लाइनों में खड़े होते हैं ठीक है जो अफोर्ड कर सकते हैं किसान वो बाहर मार्केट से यूरिया और जो है वो खाद खरीद लेते हैं पोटास हुआ यूरिया हुआ एन पी हुआ ये सब जो है खेती में इस्तेमाल होते हैं फिर एक तो देखो एक तो फसल लगाया तब केमिकल्स का यूज किया खाद का इस्तेमाल किया उसके बाद फिर जो है जब फसल बन पकने को फसल आया जब फसल में जो है वो बीज लगना शुरू हुए फल लगना शुरू हुए तब कीड़ों से बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड को कीटनाशक का छिड़काव करना पड़ता है नहीं तो कीड़े सारा फसल खा जाएंगे होता है कि नहीं होता ऐसा है ना ठीक है तो एग्रोकेमिकल वेस्ट एग्रीकल्चर का मतलब होता है ऐसा जिसमें हम कृषि रसायनों का प्रयोग करते हैं और सबसे बड़ी बात यह है बेटा कि एग्रोकेमिकल वेस्ट एग्रीकल्चर जो होता है वो पॉल्यूशन करता है इससे लैंड पॉल्यूशन होता है इससे जो है एयर पॉल्यूशन होता है इससे वाटर पॉल्यूशन होता है ठीके? एग्रोकेमिकल्स जो होते हैं जब आप छिड़कते हैं जब आप उसको आप जब आप जो है वो आपने क्या किया आपने फ्यूमिगेंट्स का इस्तेमाल किया आपने जो है स्प्रे किया इंसेक्टाइड का तो जो स्प्रे किया वो हवा के अंदर गया तो एयर पॉल्यूशन हुआ जब वो स्प्रे नीचे तो पार्टिकल जमीन पर आकर बैठ गए तो सॉइल पॉल्यूशन हुआ जब बहता हुआ पानी आया उसने उन उन, उन, उन केमिकल्स को लेकर अपने साथ जो है कहाँ चला गया तालाब के अंदर चला गया पानी बहता हुआ ठीक है नदी में चला गया पानी बहता हुआ तो क्या बन गया तब जो है वो वाटर पॉल्यूशन हो गया उसके तो तीन तरह का पॉल्यूशन तो डैम पक्का जो है वो होता है किससे

कैसे बनते हैं मतलब इन खेतों में जो है केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता है ऑर्गेनिक मैंने का कार्बनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं कोई भी केमिकल जैसे मान लो कीटनाशक है तो की, नॉर्मल कीटनाशक यूज़ नहीं करते वो के वो क्या करते हैं नीम की पत्ती लेते हैं उसको उसको उबाल कर उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के नीम की पत्ती के पानी का यूज़ करते हैं तो ऑर्गेनिक है ना जो जो कुछ नेचुरल है उसका यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में लेकिन लेकिन प्रॉब्लम नहीं है दूसरा है प्रॉब्लम यह है कि इसमें उत्पादन उतना अधिक नहीं हो पाता जितना होता है एग्रोकेमिकल्स उत्पादन दूसरा ऑर्गेनिक फार्मिंग एक कम्बरसम प्रोसेस होती है एक, एक हाई एक्सपेंस प्रोसेस होती है इसलिए फसलों के दाम ज्यादा होते हैं आप मार्केट में जाकर पता कीजिएगा आपको ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जो दाल होती है वो आपको नॉर्मल दाल से डेढ़ गुना या दुगुना महंगा मिलेगा आपको के जैसे बॉम्बे का मैं मैं रेट जानता हूँ कि, कि मुझे नहीं मालूम कि आधा किलो का दाल का रेट है कि एक किलो का कभी कभी ग्रॉसरी स्टोर जाता हूँ मैं तो एक पैकेट जो दाल का होता है वो मान लीजिए नॉर्मल वाला एक रुपए का आ रहा है तो ऑर्गेनिक वाला एक रुपए का या दो सौ का आता है उसके इतना फर्क है कॉस्ट का यदि एमआरपी ज्यादा है इसका मतलब है कि कॉस्टिंग भी ज्यादा रहा होगा उसको बनाने में तब तो एमआरपी ज्यादा रखा गया उसका तो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी एक महंगा सौदा होता है ठीक है जो बड़े किसान है वो इसे कर पाते लेकिन छोटे किसान नहीं कर पाते अब क्या करें एग्रोकेमिकल वैस एग्रीकल्चर जो है वो पॉल्यूशन करता है और केमिकल आपको लगता है कि यूरिया के लिए किसान इतनी लंबी लाइन क्यों लगा के खड़े होते हैं क्योंकि यूरिया महंगा होता है सरकार से वो जो है वो कंट्रोल के रेट में मिलता है कम दाम में मिलता है इसलिए आदमी जो है वो लाइनों में लगा होता है ठीक है तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ऐसा क्या, क्या कोई ऐसा उपाय है जिसके चलते हम एग्रोकेमिकल्स ऑर्गेनिक फार्मिंग से बेटर प्रोडक्शन को हम प्राप्त कर सके तो वहां पर आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग सामने क्या तो देखिए तो मैंने आपसे कहा तीन ऑप्शन है हमारे पास में तीन ऑप्शन में पहला है एग्रोकेमिकल बेस्ड दूसरा है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर तीसरा होता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर मतलब क्रॉप के अंदर ही हमने ऐसा कर दिया सुधार कि कीटनाशक की जरूरत ही नहीं है फसल जो है वो अपने आप को कीड़ों से खुद बचा लेगी क्रॉप के अंदर ही ऐसा हमने सिस्टम डाल दिया हमने जीन डाल दिया है कि सूखा पड़ने पर भी क्रॉप खत्म नहीं होगी उठ के प्रोडक्शन उसका अधिक होगा ड्रॉट रेजिस्टेंस डिजीज रेजिस्टेंस इंसेक्ट 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 साइट रजिस्टेंट कीटनाशक कीटों से बचेगा सूखे से बच जाएगा बीमारी से बच जाएगा उत्पादन अधिक होगा ये सब कैसे पॉसिबल है जीन के लेवल पर मेनिपुलेशन करने पर पॉसिबल है अब सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जब आज हमारी कंट्री आजाद हुई थी 1947 में जब हमको आजादी मिली थी जब इंडिपेंडेंस हुआ था तो उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स ने जो है अपना पूरा तामझाम झाम और वो निकल गया यहां से ठीक है हमारे देश को जो है वो जब जैसे हमारा देश अपने पैरों पे खड़ा हुआ हमारे हाथ में सत्ता आया गवर्नेंस गोर्न आया तो हमने क्या देखा कि सबसे बड़ी समस्या थी कि हमारी पॉपुलेशन उस समय थी तैंतीस चौंतीस करोड़ के आसपास जहाँ तक मेरा मेरे को ध्यान है कि जो फिगर था वो तीस पैंतीस करोड़ के आसपास हमारी पॉपुलेशन रही होगी उस पॉपुलेशन को फीड करने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अनाज नहीं था अनाज के गोदाम खाली पड़े हुए थे सरकार को बाहर से गेहूं मिलाना पड़ा अमेरिका ने उस समय हेल्प की उसने वहां से जो है गेहूं हमारे लिए भेजा से गेहूं आया अमेरिका से गेहूं आया के अलग अलग कंट्री ने मदद किया ठीक है मतलब एक प्रकार का हम अफ्रीका जैसी कंडीशन में थे जबकि हमारे यहां पे पर्याप्त रिसोर्सेज थे अच्छा जो है खेती करने के रिसोर्स अवेलेबल थे अफ्रीका में तो क्लाइमेट ही खराब है कुछ कर ही नहीं सकते यहां पर यहां पर सब कुछ अच्छा होने के बावजूद जो है वो हमारे पास अनाज नहीं था तो पंडित नेहरू जी ने जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है सबसे पहले जब जो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि सबसे पहले इस देश को हमें फूड के लिए जो आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा कि हमें इस देश को खड़ा करना पड़ेगा अपने पैरों पर कि कम से कम अपना पेट हम खुद भर पाए हमें दूसरों से अनाज ना लेना पड़े तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत की गई हरित क्रांति की उस समय तक हरित क्रांति जो है वो दुनिया भर में जो तो है वो तमाम जगह पे मैक्सिको वगैरह में पॉपुलर हो चुका था और जो है डॉक्टर नॉर्मन बोर्लॉक डॉक्टर नॉर्मन को हम फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलोक को हम फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड डॉक्टर नॉर्मन बोर्लॉक ठीक है ना लिख देता हूं मैं क्या क्या आप नोट कर लें इसको नॉर्मन बोर्लॉक ठीक है इनको हम फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड कहते हैं फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया कहलाते हैं डॉक्टर स्वामीनाथन एम एस स्वामीनाथन ठीक है इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया कहते हैं इन्होंने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की अब दिमाग में आता है कई बार क्वेश्चन कि क्या मतलब देखिए क्या ये जो है वो उसका बड़ा अच्छा सा सिंबॉलिक पिक्चर है फ्राम ए ग्रैंड डिफ्रेंट नेशन एक ऐसा देश जहाँ पे अनाज की कमी थी वहाँ से सब लोगों को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की देश, देश, देश के ओर बढ़ने के में ग्रीन रिवोल्यूशन का बड़ा रोल है आज मिड डे मील स्कीम जो है स्कूलों में अवेलेबल है हर बच्चे का पेट जो सरकार भर देती है बच्चे और कंट्रोल से सबको अनाज मिल जाता है ठीक है बहुत सस्ते में अनाज अवेलेबल है तो आज जो है हमारा देश जो है वो सरप्लस अनाज पैदा करता है आज हमारे अनाज के गोदाम भरे हुए हैं आज हमारे अनाज के गोदामों से हम जो दूसरे देशों की मदद भी कर पाते हैं ठीक है इंडिया आज जो है वो सरप्लस पोजिशन में आज आज वो है जो है ग्रेन को बाहर एक्सपोर्ट भी कर देते हैं हम लोग ठीक है तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन से अब हरित क्रांति चीज क्या है ये सब एनसीआर उस तभी तो बता रहा हूं के. हरित क्रांति का मतलब क्या है ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब है कि अपने आप को एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो है वो खड़ा करना सेल्फ डिपेंडेंट बनना उसके लिए क्या किया गया उन्नत बीज का प्रयोग किया गया उसके लिए बेहतर प्रकार के सीड का प्रयोग किया गया बेहतर प्रकार की पौध का इस्तेमाल किया गया जिससे कि ग्रीन जो है वो आ, हम आ, हमको अधिक प्रोडक्शन मिल के उसके लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया खाद का इस्तेमाल किया गया बड़े पैमाने पर यूरिया यूज किया गया पोटास यूज किया गया ताकि जमीन की उर्वरकता बढ़ सके फर्टिलिटी बढ़ सके उसके लिए क्या किया गया फसल को कीटों के नुकसान से के लिए बड़े पैमाने पर इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया गया ताकि फसल जो है उसका उत्पादन अधिक हो और कीड़े फसल को ना खाएं इंसानों के लिए फसल बच सके उसके लिए जो है बेहतर सिंचाई व्यवस्था की गई बेहतर इरीगेशन का प्रबंध किया गया ताकि फसलों को, को को समय पर पानी मिल सके और हम अपना उत्पादन बढ़ा सके मतलब क्या क्या, -क्या हुआ बेटर ग्रेन क्वालिटी फर्टिलाइजर्स इंसेक्टिसाइड एग्रीकल्चर इस सब सारे उपाय अपनाए गए और तो और मशीनीकरण किया गया यानी खेतों में जो है पहले हल से खेती होती थी फिर टक क्या किया गया जो है वो किसानों को जो है वो सस्ते दामों पर ट्रैक्टर उपलब्ध कराए गए किसानों को लंबे समय का लोन दिया गया ट्रैक्टर के लिए के बैंक स्थापित किए गए जगह जगह पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बने ग्रामीण बैंक ने किसानों को जो है वो ट्रैक्टर के लिए अच्छे से लो, लोन दिया उन्होंने और उनसे उन्हों कहा भी धीमे धीमे तुम पैसा लुटा दे मशीनीकरण हुआ के तो कुल मिलाकर यह हुआ कि सरकार ने सारे संभव उपाय कर डाले कि अच्छा जो है वो सिंचाई से लेकर बेहतर बीज के बेहतर फर्टिलाइजर बेहतर इंसेक्टाइड और मशीनीकरण किया ताकि फसल का उत्पादन बढ़ सके ठीक है सब कुछ अच्छा हुआ एवरीथिंग well, सब कुछ बढ़िया हुआ लेकिन बात यह है कि धीमे धीमे जो है वो पॉल्यूशन की समस्या जो है वो गहरी होने लगी के हम आत्मनिर्भर तो हो गए लेकिन एक लेवल के बाद जो है हमको समझ में आने लगा कि इसकी कीमत हमको भारी चुकानी पड़ेगी जो हमने किया ठीक है क्या लिखा देखिए एनसीआर में ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सेडेड ट्रिपलिंग दी फूड सप्लाई बट येट इट वॉज नॉट इनफ टू फीड द्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन हरित क्रांति ने हमारे फसल के उत्पादन को हमारे खाद्य उत्पादन को खाद्य की सप्लाई को तीन गुना तक बढ़ा दिया लेकिन तब भी यह पर्याप्त नहीं था कि हम पूरी की पूरी ह्यूमन बढ़ती हुई ह्यूमन पॉपुलेशन को जिस दर से मनुष्य की पॉपुलेशन बढ़ रही है ह्यूमन पॉपुलेशन से बढ़ रही है उस दर से हम जो है वो सबको फूड उपलब्ध करा पाए उतना जो है वो तब भी ये जो है वो उसको मैच नहीं कर स्पीड मैच नहीं कर पा रही है मैंने कहा ना आपसे कि पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रहा है एज कंपेयर टू तो फूड सप्लाई ठीक है इंक्रीज इंक्रीज इल्ड है पार्टली ड्यू टू दूज ऑफ इंप्रूव क्रॉप वराइटीज के बट मेनली ड्यू टू दूज ऑफ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स के जो फसलों का उत्पादन बढ़ा उसके उसका उसके, उसके, उसके पी में एक योगदान था कि बेहतर क्वालिटी के वराइटी के, की फसलों का इस्तेमाल किया गया बेहतर प्रकार से खेतों का प्रबंधन किया गया बड़े पैमाने पर एग्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल किया गया मेन फैक्टर्स थे एग्रोकेमिकल्स सबसे इसीलिए बोलते हैं इसको एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर बोलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर थे जो है वो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड का हमने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल ठीक है 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 अब प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या कि भारत में इंडिया में अधिकांश किसान भारत एक कृषि प्रधान देश है आज भी आज भी भारत एक कृषि प्रधान देश है हम टेक्नोलॉजी में जो है वो अमेरिका या चाइना के बराबर नहीं पहुंच पाए समय वक्त लगेगा हमको आज भी हमारी बड़ी पॉपुलेशन कृषि पर निर्भर हटके और हमारे किसान जो है हमारी ताकत है मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं सुनता पड़ता हूं कई अखबार में कि फला किसान इतने किसानों ने जो है वो इस साल आत्महत्या कर ली सूख फसल का उत्पादन हुआ कर्जा बढ़ता चला गया उन पेट के और जो है आ, जो है वो प्रॉपर जो है क्रॉप प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं कर्जा बढ़ रहा है साहूकार का प्रेशर बढ़ रहा है उनके ऊपर के बैंकों का लोन चढ़ गया है लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो वो कभी कभी इंसेक्टसाइड पी लेते हैं या कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं जिससे अपने अपनी जान अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं ताकि उनको कोई जो है कर्जे के लिए परेशान ना करें जिस देश में जय जवान जय किसान का नारा हो उस देश में यदि किसान को जहर पीना पड़े तो उससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं है ठीक है बड़ा दुख होता है सुन के कि जो हमारे लिए अन्नदाता है जो हमारे लिए फसलों में खेत खेत जो है वो कड़ी धूप में मेहनत करता है जो है जब तेज़ ठंड पड़ रही होती है तब फसलों के पास में झोपड़ी बना के यहाँ पे फसलों की सुरक्षा कर रहा होता है ठीक है बारिश हो चाहे सर्दी गर्मी बारिश हर मौसम में जो है वो हमारे लिए अनाज पैदा करने की कोशिश करता है वो किसान वो हमको जो है वो अन्न प्रदान करने वाला व्यक्ति यदि जो है वो दुख से जो है ऐसा स्तर उठा उठाता है तो सच में बड़े गंभीर विषय है ये कि जय जवान जय किसान जैसे नारे को फिर तो हम केवल नारा ही मान सकते हैं इसको तो अब इस देश में आप बोलो किसी से कि भैया तुमको इतना महंगे महंगे एग्रोकेमिकल्स यूज करना है तो क्या वो कर पाएगा यूज किसान देखिए आप क्या आप देख सकते हैं कि ये ये एक तस्वीर सारी बातें कहती है कि क्या क्या है अब जहां कृषि का खेती करना है तो बेहतर सिंचाई व्यवस्था चाहिए हमको हमको बेहतर इरीगेशन चाहिए वो भी अवेलेबल नहीं है तो क्या करें तो कुल मिलाकर बात ये और ये सब बातें जो दिखा रहा हूं बता रहा हूं आपको मैं ये सब NCRT में मेंशन है लाइनों के अंदर छिपा क्या है वो आपको बता रहा हूं के, लिखा ये है हाउर फॉर फार्मर इन वर्ल्ड के एग्रोकेमिकल्स आर ऑफन टू एक्सपेंसिव देखिए जो कृषि जो यूरिया है खाद है बड़ा महंगा है इंसेक्ट साइड का एक डब्बा यूज करना होता है हजारों रुपए का आता है ठीक है एक हज़ार का अब एक डब्बे से तो खेत में नहीं होता ना काम के कई डब्बे लेने पड़ेंगे उसको के तो उसके कई हजार रुपए का बिल उसका होता है केवल इंसेक्ट सेट का बिल होता है तके? और वो किसान जिसके पास जो है जिसके पास में जिस आप देखें उसको तो पूरे कपड़े भी जो है वो ठीक से नहीं पहन पाता किसान के जबकि यदि आप ऑस्ट्रेलिया का किसान देखेंगे ना ऑस्ट्रेलिया में फार्मर होने का मतलब समझते हैं आप क्या है ऑस्ट्रेलिया में यदि कोई व्यक्ति किसान है 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 मतलब बहुत अमीर व्यक्ति किसान तो उसके पास हेलीकॉप्टर होगा किसान है तो उसके पास जो है वो तो मर्सिडीज या रॉल्स ऐसी गाड़ी होगी उसके पास में बड़े बड़े खेत हैं हाई टेक टेक्नोलॉजी है तक्या? मेरे एक मित्र हैं वो एक बार मुझे पंजाब कहीं लेके गए कि देखो तुम्हें दिखाते हैं हमारे मित्र हैं वो पंजाब के रहने वाले हैं वो दिखाए है कि चलो हम तो दिखाते हैं खेती यहाँ पे कैसे होती है पंजाब में तो पंजाब के कुछ हिस्से ऐसे हिस्से यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े किसान वहाँ पर है तो क्या क्या वो जो किस खेतों में जो लोग मजदूर लोग काम करते हैं ना सबके पास वॉकी टॉकी थक के ठीक और वो जो जो मालिक थे वो एक ऊंचा टावर बना के ऊपर बैठे थे जैसे आपने देखा ना कई कर, बार जो है वो एक लंबा तीन चार मंजिल ऊंचा टावर बनाओ टावर में चाहता ग्लास लगाओ वो बढ़िया वहाँ पे ए ऑन करके टावर में बैठते थे वो और दूरबीन से देखते थे खेत में क्या चल रहा है ठीक है और वॉकी टॉकी से बात करते थे ये देखो खेत के उस हिस्से में पानी नहीं आ रहा है वहाँ पे सब वाटर दे दो ठीक है वो देखो वहाँ पर जो है वो जानवर घुस गया उससे भगा उठ के वॉकी टॉकी में सब बात करें मैंने कहा रही तो अमेरिका में आ गए ऐसा लगता है बड़े किसान के लिए सब पॉसिबल था लेकिन छोटा किसान हमारे यहां पे क्या है बटवारा जब जब होता जमीन छोटी 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 और जमीन छोटी होती चली जाती है जमीन तो बढ़ नहीं सकती ना अपने आप से जमीन तो खरीदना पड़ेगी आपको बढ़ाने के लिए यदि जमीन आप खरीद रहे हैं मतलब कोई जमीन बेच रहा है जो जमीन बेच रहा है मतलब वो तो जीरो पर चला गया आदमी भाई जमीन तो फिक्स है ना तो आप समझ लीजिए कि इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशन में जो है वो खेत किसके इतना पैसा नहीं है कि बड़े महंगे जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सके महंगी मशीनों का उपयोग कर सके महंगे एग्रोकेमिकल यूज कर सके तो फिर क्या क्या तरीका है एंड कन्वेंशनल ब्रीडिंग जो होती है उससे जो है बहुत अधिक उत्पादन को हम नहीं बढ़ा सकते हैं तो तरीका क्या है तरीका यह है कि प्रति हेक्टेयर में पर एकड़ में जो है उत्पादन कई गुना बढ़ाया जाए और ऐसी वेराइटीज लाई जाए जिसको जो है अधिक खाद की रिक्वायरमेंट ना हो अधिक जो इसको वाटर की रिक्वायरमेंट ना हो जिसके लिए कीटनाशक जरूरी ना हो के मतलब हम चाहते हैं कि एक बार बीज जमीन में लगा दिया तो वो बीज जो है वो हमको सक्सेसफुली फसल दे दे ठीक है क्या ये पॉसिबल है यस पॉसिबल है ठीक है अब एनसीआरटी खुद प्रश्न करता है हमसे पूछता है कि इज दर एनी अल्टरनेटिव पाथ ट अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक्स कैन शो सो दैट फार्मर्स में फ्रॉम देअर फील्ड क्या यह संभव है क्या कोई वैल्पिक मार्ग है कि हम जेनेटिक्स के नियमों का उपयोग करके हमारी जो समझ है इस्तेमाल करके हम किसानों के लिए प्रति हेक्टर में फसल उसी खेत के अंदर जो है वो फसल के उत्पादन को बढ़ा सके ठीक है दूसरा क्वेश्चन एनसीआरटी में लिखा है

You should download the BioMentors app from Google Play Store. We need your support. So please take the subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye, continue your lecture. Ah, ah. Sustainable development, Sustainable development. Sustainable development आने वाले पीढ़ियों को हम आने वाली जनरेशन को हम बेहतर इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकें हम इन्वायरमेंट को इतना डैमेज ना कर दें कि आने वाली हमारी पीढ़ियां सर्वाइव ना कर पाए हमारे लिए जो हमारे संसाधन है उसको हमें ऐसे इस्तेमाल करना है कि आने वाली पीढ़ियों को उनकी धरोहर हम सौंप कर जाएं ना कि हम नष्ट कर कर जाएं ठीक है क्या यह संभव है आंसर इज अगेन ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है यही यही तो चाबी जादू तो यहीं पे छिपा हुआ सारा यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के जीएम क्रॉप का इस्तेमाल एक पॉसिबल सॉल्यूशन सोल्यूशन यदि कहीं पे कोई समस्या है तो निश्चित रूप से कहीं ना वहां पर कहीं ना कहीं कोई समाधान है ठीक है मैंने आपसे कहा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो है वो एक पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं क्योंकि यहां पर हम जीन के लेवल पर फेरबदल करके फसलों के की रिक्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं हम चाहते हैं कि हमारे जो मिट्टी के अंदर हमारी सॉइल के अंदर जितने केमिकल्स प्रेजेंट केमिकल है, उतने ही केमिकल का प्लांट बेहतर प्रकार से इस्तेमाल कर पाए सुनिए मेरी बात ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं हमारी में तो मिनरल एलिमेंट है ना तो जो प्लांट हो वो इस तरह का हो कि वो मिनरल एलिमेंट का बेहतर इफिशी के साथ इस्तेमाल करता हो तो अलग से खाद डालने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी प्लांट इस तरह का हो कि वो वाटर का मिनिमम जो वाटर को मिनिमम वेस्टेज करता हो और वाटर का मैक्सिमम इस्तेमाल करता हो तो अधिक पानी डालने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी इसका मतलब ये नहीं कि रेत में लग जाएगा वो पानी चाहिए 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 पड़ेगा पड़ेगा पर कम ऐसा होना चाहिए कि कोई कीड़ा, कोई फसल को खाना करे, तो कीड़ा खुद मर जाए वो, कोई फसल, को वो खा, फसल जो का थोड़ा हिस्सा खाते कीड़ा मर जाए तो फसल को बड़े पैमाने पर डैमेज नहीं होगा वो इंसेक्ट रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पाएगा तो हमारे को, को इंसेक्ट साइड डालने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज फसल को काटने के बाद में हमने स्टोर किया तो भी कोई चूहा वगैरह फसल को ना खाए वोट के तो हम चाहते ही कुल मिलाकर यह है कि हमारे लिए जो है वो फूड बच सके हम बस वही चाहते हैं और उसके लिए जेनेटिक लिए हमको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हमको एक रास्ता दिखाई पड़ता है ठीक है क्या लिखा है प्लांट बैक्टेरिया फंजाई एंड एनिमल्स हुज जीन्स हैव बीन अल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन आर कार्लैटिकली मोडिफाइड ऑर्गेनि क्या चाहे वो प्लांट हो चाहे बैक्टीरिया हो चाहे फंजाई हो चाहे एनिमल हो जिनके जीन के में हमने मैनिपुलेशन कर दिया है जीन में हमने कुछ परिवर्तन कर दिया है उन्हें हम जेनेटिकली मोडिफाइड ऑर्गन कहते हैं और ये नेचुरल तरीका नहीं होता ये हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से करते हैं ठीक है ना और जीएम प्लांट होते हैं वो ब, 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 बड़े उपयोगी होते हैं हमारे लिए क्या क्या उपयोग है उसका चलो देखते हैं यानी जेनेटिक मोडिफिकेशन से हम क्या क्या रिजल्ट हमको मिल सकते हैं देखिए क्या मिल सकता है वो पॉसिबिलिटीज क्या है इसकी मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्टेट स्टेसिस कोल्ड ड्रॉट सॉल्ट हीट क्या यानी हमारी जो फसलें हैं यदि हम हाँ जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करें तो उन फसलों को हम हाँ जो ऐसी तनाव की परिस्थितियां जिनसे प्लांट डैमेज आता है फसल खराब हो जाती है उन परिस्थितियों को फसल सहन कर पाएगा मतलब जोर का ठंड पड़ेगा तो आपकी फसल खराब नहीं होगी सूखा पड़ेगा तो भी आपकी फसल खराब नहीं होगी अधिक सॉल्टी यदि सेलाइन सॉइल होगा अधिक सॉल्टी मिट्टी होगी तो भी आपकी फसल खराब नहीं होगी और तापमान अधिक होगा हाई टेम्परेचर होगा हीट होगा तो भी आपकी क्रॉप डैमेज नहीं होगी ठीक है मतलब ये है कि आपकी फसल का प्लांट जो है वो हाई टेम्परेचर को सूखे को ठंड को अधिक सॉल्टी इन्वायरमेंट को सहन कर पाएगा और रिड्यूस्ड रेस्ट के रासायनिक रासायनिकाइड का उपयोग करने की रिक्वायरमेंट आपको कम से कम होगी क्योंकि जो है वो आपको रासायनिक पेस्ट साइड का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा आपको कोई फसल जो है वो पेस्ट रेजिस्टेंस होगी यानी कीड़े अपने आप से मर जाएंगे फसल ही कुछ ऐसा केमिकल प्रोड्यूस करेगी जिससे कीड़े उस पर ग्रो नहीं कर पाएंगे हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस फसल इस तरह की होगी उत्पादन होने के बावजूद जो है फसल को जब आप स्टोर करोगे तो उसके अंदर अपने आप से कीड़े नहीं लगेंगे कीड़े जो है उसमें फसल के अंदर छेद नहीं करेगा देखेंगे कभी कभी गेहूं चावल में छोटा चोट छोटा कीड़ा लग जाता है तो वो कीड़ा उसके अंदर ग्रो नहीं करेगा इंक्रीज फिशियं ऑफ मिनरल यूज बाय प्लांट के पौधा जो जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज है मिट्टी के अंदर उनका वो बेहतर प्रकार से उपयोग करेगा तो मिट्टी की सॉइल की फर्टिलिटी को वो खत्म नहीं करेगा वो सॉइल के अंदर जो मिनरल्स प्रेजेंट है उनको जो है वो धीमे धीमे इस्तेमाल करेगा बेहतर प्रकार से इस्तेमाल करेगा तो आपको बार बार खाद डालने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी ठीक है इसके अलावा जो आपको फूड मिलेगा उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी हायर साइड होगी जैसे फॉर एग्जाम्पल चावल के अंदर नेचुरली विटामिन ए नहीं होता है चावल के अंदर नेचुरली विटामिन ए नहीं होता है तो चावल में हमने कोई जीन डाला ऐसा ठीक है जिसके चलते बीटा कैरोटीन बनने लगा उसमें और फाइनली चावल के अंदर विटामिन ए आ गया उसको हमने गोल्डन राइस बोल दिया के, तो आप क्रॉप के अंदर जो है वो उसका इसको बोलते हैं हम फोर्टिफिकेशन ऑफ क्रॉप करना इसके लिए हम फोर्टिफिकेशन वर्ड का यूज करते हैं मतलब क्रॉप की न्यूट्रिएंट वैल्यू को बढ़ा देना तो वो हम कर सकते हैं के तो गोल्डन राइस बेस्ट एग्जांपल है विटामिन ए एनवरिच राइस होता है ठीक है तो इसका मतलब ये है

तो अब हमारे पास यदि किसान आता है बोलता है कि साहब मेरे पास ऐसा एस गन्ना है जिससे मैं रस ज़्यादा निकलता है मैंने देखा कि दूसरे किसानों की तुलना में यदि मैं इस किसान का गन्ना खरीदता हूं तो उसमें से रस अधिक निकलता है जिससे कि मेरे को मेरे जो भी परचेस पर, 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 पर किया उसमें वेस्टेज कम है और हम हमको जो रिजल्ट अधिक मिल रहा है मतलब अब हम क्या बोलते हैं हम किसान से कहते हैं भैया हमको ऐसा गन्ना सप्लाई करो जिसमें रस अधिक हो ठीक है

हमने चाह का मतलब यह है कि आज हम चाहते हैं कि क्रॉप के अंदर हमारी एक इंडस्ट्री है मैंने कहा देखो भैया ऐसा है हमको जो है वो एक केमिकल की रिक्वायरमेंट है इस क्रॉप से हमें केमिकल निकालते हैं तो हमको बड़े साइज का क्रॉप चाहिए इसमें ये फर्टिकल केमिकल अधिक है उठ के तो उस क्रॉप के अंदर चेंज कर दिया उससे हम केमिकल निकाल पड़ते हैं ठीक है टमाटर है हमने कहा हमारा हमारा केचप का इंडस्ट्री है हमने कहा बड़े साइज का टमाटर चाहिए हम घटके अधिक गुदे वाला ठीक है वो टमाटर हमको मिल गया तो ये सब पॉसिबल है ने हर इंडस्ट्री की अपनी एक डिमांड है और उस डिमांड के चलते उसको एक पर्टिकुलर क्रॉप सप्लाई करनी होती है आपको जानकर आश्चर्य होगा मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं इस बारे में थोड़ा बात करूंगा समझाने के लिए ना? हमारे एक मित्र है उन्होंने एक बार सोचा कि क्यों ना मैकडोनाल्ड का फ्रेंचाइजी खोला जाके आप सोचते हैं मैकडोनाल्ड के जिसमें बर्गर वगैरह मिलता है काफ़ी एय डाता है उसका टीवी पे भी तो मैकडोनाल्ड जो है उसका फ्रेंचाइजी खोलने के पहले सबसे पहले क्या होता है मैकडोनाल्ड जो है वो पता करता है कि आपका यहाँ पर यदि हमने मैकडोनल्ड का आउटलेट लगाया हमने यदि हमने मैकडोनाल्ड का आउटलेट लगाया आपके यहाँ पर रीजन में तो टमाटर कहाँ से आएगा ठीक है नंबर एक सबसे पहले वो वहाँ उस एरिया के पाँच ऐसे किसान जो सबसे अच्छी क्वालिटी का टमाटर प्रोवाइड करते हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट करता है वो फिर प्याज कहां से आएगा तो सबसे बेहतर ऑनियन सप्लायर जो है उनसे बात करता है ठीक है फिर बाकी वेजिटेबल हुआ मटर हुआ बाकी जो वेजिटेबल हुए मान लो चिकन है चिकन सप्लाई करना तो पोल्ट्री फार्म कहां से चिकन आएगा किस क्वालिटी का चिकन आएगा ये सब इंश्योर करता है वो पहले सप्लाई को देखता है मैकडोनाल्ड उसके बाद फिर बोलता है हां भैया देखो सब सप्लायर से बात हो गई है अब यहां पर आउटलेट खोल सकते हैं टमाटर अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो मैकडोनल्ड बोलेगा भैया देखो तुम्हारे एरिया में अच्छा टमाटर नहीं मिलता है दूर से मंगाओगे महंगा पड़ेगा और आउटलेट तुम्हारे काम का नहीं है फिर ये। क्योंकि मैडोनल्ड की स्ट्रेंथ क्या है हाई लेवल लो कॉस्ट में बेहतर प्रोवाइड करना ये उसकी स्ट्रेंथ है यदि वो कॉस्ट को बढ़ा देंगे तो ग्राहक कस्टमर कम हो जाएंगे मैकडोनाल्ड मैकडोनल्ड नहीं बचेगा भाई पच्चीस रुपए में यदि बर्गर प्रोवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है उसको सप्लाई चाहिए इकोनॉमिकली आसपास सप्लाई चाहिए तो ये बड़ा इंडस्ट्री की हर इंडस्ट्री की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है तो आज ऐसा भी पॉसिबल है कि हमको क्या क्रॉप चाहिए किस तरह का फसल चाहिए हमारी इंडस्ट्री के लिए हमारे उद्योग के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग किसान जो है हमको प्रोड्यूस कर कर देगा ठीक है किसान प्रोड्यूस कर, कर देगा तो किसान के पास में किसान को मालूम है कि मार्केट में जाके मैं बायोटेक्नोलॉजी वाला ये टमाटर का वैरायटी लूंगा इसको लगाऊंगा इससे बड़ा टमाटर मिलेगा मेरे को अच्छा टमाटर मिलेगा लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख पाओगे उसको पॉसिबल है, है बाकायदा पॉसिबल है और इसका हम यूज कर रहे हैं ठीक है चलिए तो हमने क्या कहा पे क्या लिखा एनसीआर जो बातें बता रहा हूं एनसीआरटी के आसपास ही मोडिफिकेशन जेनेटिक मोडिफिकेशन इसका मतलब क्या है मतलब मेरी जो रिक्वायरमेंट है ना रिक्वायरमेंट बेस्ड क्या इसका मतलब होता है रिक्वायरमेंट बेस्ड ठीक है बेटा समझ रहे हैं ना आप मेड प्लांट मतलब मैं क्या चाहता हूं उसके अकॉर्डिंग प्लांट को प्रोड्यूस करना वो पॉसिबल है और इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हम, हमको हमारी हम, हम, इंडस्ट्री के लिए फ्यूल चाहिए फार्मास्यूटिकल्स चाहिए और स्टार चाहिए ये सब मिलता है हमको के बड़ा आश्चर्य होगा आपको सुनकर आपने कभी देखा नाशपाती जो नाशपाती होती है ना मार्केट में मिलती है पियर हल्की खुरदुरी होती है है ना कभी गौर करना आप वो खुरदुरी वाली अब जो है चीजों को ऑब्जर्व किया करो आप मार्केट में जाना देखना आप कि आपको जो नाशपाती मिलेगा ना आप या तो आपको वो मिलेगा जिसको ना, जिसको नाग बोलते है जिसको बोलते हैं हैं लोग बाग जो नाशपाती जैसा दिखता है लेकिन वो वो इस, स्मूथ स्किन का होता है सॉफ्ट होता है लेकिन जो प्रॉपर नाशपाती पियर जो होता है ना उसके ऊपर खुरदुरा खुरदुरा स्कैल होते हैं पढ़ा हमने कहाँ पढ़ा हमने एनाटॉमी के अंदर पढ़ा हुआ है हमने कि वो स्टोन सेल्स होते हैं स्पेन कायमा होते हैं जो राउंडेड होते हैं स्टोन सेल्स बोलते हैं बोलते हैं वो लगे होते हैं तो आज का है जो कॉस्मोसुटिकल इंडस्ट्री है जो कॉस्मेटिक को बनाती है उसने बड़े पैमाने पर जो है ऐसी नाशपाती जो है वो परचेस करना शुरू कर दिया मार्केट में आई नहीं पाती वो यानी किसान पैदा करता है पूरा नाशपाती भेज देता है वो लेकमे को पौंड्स को और ये क्या करते हैं ये उस नाश्पाती के गूदे को से, से वो पार्टिकल्स निकालते हैं वो ग्रेन्यूल निकालते हैं और उसको वो स्क्रब में यूज़ करते हैं आज मार्केट में क्रीम आती है जिसको आप लगाएं हाथ में ऐसे लगा के आप चेहरे पर रब करें तो उसमें कंकड़ से होते हैं और वो आपकी स्किन की डेड लेयर को निकाल लेते हैं उसको स्क्रब बोलते हैं तो उससे बनाने मिलता है तो इसलिए मार्केट में आप देखेंगे आपको नाशपाती जो है उस क्वालिटी का मिलेगा ही नहीं जो सबसे अच्छी क्वालिटी का फल है ना उसको डाबर ये बड़ी कंपनियां खरीद लेती है वो किनको उससे रस निकालना जूस निकालना होता है और पैकेट में पैक करके जूस बेचते हैं वो सप्लाई करते हैं बाहर सबसे अच्छी क्वालिटी का जो आम होता है ना वो इंडिया में अवेलेबल ही नहीं होता है वो पूरा आम पैक होता है और बाहर की कंट्री में उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं सबसे बढ़िया वाला क्वालिटी हम जब दूसरी क्वालिटी का जो आम होता है वो मार्केट में देखने मिलता है हमको सच्चाई है ओके okay, उसका बड़ा ऊंचा दाम बाहर के देशों में मिलता है तो आज इंडस्ट्रीज की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ठीक है फार्मास्यूटिकल्स मैंने बताया कॉस्मास्यूटिकल भी शामिल है उसके अंदर ठीक है अब कुल मिलाकर बात यह है कि हम इतना जानते हैं कि जो जो फसलें हैं उन फसलों में हम जो है बड़े पैमाने पर फेरबदल कर सकते हैं अब इसका सबसे बड़ा प्रैक्टिकल जो जो है जिस जो सबसे बड़ा एक इशू जो जो काफी बड़ा जो है काफी बड़ा है उस पर कंट्रोवर्सी भी हुआ वो था बीटी कॉटन के बेसलेस थ्रोजेसिस बेस्ट कॉटन क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप था वो तो वो क्या इशू था हम आगे बात करेंगे अब इतना हम जानते हैं कि सबसे बड़ा एप्लीकेशन जो बायोटेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर जहां हुआ एग्रीकल्चर में वो ये रहा प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट के ऐसे पौधों का उत्पादन जिनको जिन पर कीड़े नहीं लग सकते हैं, जिनको कीड़े डैमेज नहीं कर सकते नहीं तो क्या होता बड़े पैमाने पर इंसेक्ट जो है क्रॉप को डैमेज करते हैं और उसको बचाने के लिए हमको बड़े पैमाने पर केमिकल यूज करना पड़ता है पेस्टिसाइड यूज करना पड़ता है और पेस्टिसाइड एक बड़ी समस्या है एनवायरमेंट के लिए ठीक है

उसको हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड किया है जिससे वो कई ऐसे पेस्ट जैसे बीटल एक बीटल होता है छोटा सा जो है वो बीटल होता है वो आलू के अंदर छेद करता है आलू को डैमेज करता है तो ये बीटल जो है वो उस आलू को नहीं खा पाएगा जो जेनेटिकली मॉडिफाइड आलू होगा क्योंकि उसके लिए टॉक्सिक होगा वटके द जीन फॉर पावरफुल बैक्टेरियल टॉक्सिन इज एडेड टू पोटेटो प्लांट हमने पोटेटो प्लांट के अंदर जीन को एड कर दिया है जो टॉक्सिक जीन है वो उसके अंदर एड कर दिया है अब वो प्रोटीन को माता है उस जैसे वो आलू को खाता है ये बीटल वो मर जाता है बीटल ठीक है बीटल ट्राई टू ईट इट दोटेटो प्लांट इट इज किल्ड बाय बाई दिन के यदि बीटल इस प्लांट को खाने की कोशिश करता है तो वो टॉक्सिन से मर जाता है ठीक है फिर आप देख रहे हैं यहां पर कई सारे ने कई सारे ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो फसलों को बड़े पैमाने पर डैमेज करते हैं उसमें क्या शामिल है जैसे कॉटन कपास जो है ना कॉटन एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है व्हाई कॉटन इज सो इंपॉर्टेंट कॉटन जो होता है वो कपड़े की सकास की जो जो हमारा क्लॉथ इंडस्ट्री है टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वैसा बोलेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो बेसिस है वो कॉटन के ऊपर डिपेंडेंट है हमारे इंडिया में कॉटन का बड़े पैमाने पर जो है प्रोडक्शन होता है ठीक है और उस कॉटन से, से धागा बनता है थ्रेड बनता है स्पिनिंग मिल्स में थ्रेड बनाते हैं और फिर वो तमाम तरह के कपड़े बनते हैं आप मैं कहता हूँ अभी मैं कई कंट्री घूम के आया मैं मैंने जो है मलेशिया गया सिंगापुर गया थाईलैंड गया वहां पर आप देखेंगे आपको मोस्ट ऑफ दी कपड़ा जो मिलेगा ना आपको मेड इन इंडिया मेड इन बांग्लादेश मेड इन पाकिस्तान ये मिलेगा आपको मेड इन श्रीलंका इवन सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कपड़ा मिलेगा आपको अमेरिका यूएसए आप जाएंगे यूएसए में जाएंगे आप और आपको बता रहा हूं मैं अमेरिका में मैं तो अमेरिका आप लंबे समय तक रहा हूं वहां आप गया भी तो USA के तो यूएसए के अंदर आप जाएंगे तो यूएसए में आपको सबसे अच्छे ब्रांड का जो कपड़ा मिलेगा ना वो कहां मिलेगा वो आपको जो उस कपड़े पे साफ साफ ले आप डेनिम डेनिम जाएंगे तो डेनिम पर लिखा होगा मेड इन पाकिस्तान ठीक है ना सबसे अच्छी क्वालिटी का जीन्स का थ्रेड जो कपड़ा है वो पाकिस्तान में बन रहा है फिर आप जब टी शर्ट्स पे बात करेंगे टी शर्ट पे जाएंगे आप अच्छे वाले कॉटन कपड़े जाएंगे तो मेड इन इंडिया ड इन इंडिया मेड इन बांग्लादेश ये लिखा मिलेगा आपको उस पर लेकिन जब आप जो है थोड़े से सस्ते वाले कपड़े पर जाएंगे आपके आप थोड़े से जो है वो च, चमकदार सस्ता कपड़ा जो जो प्योर कॉटन नहीं है जिस जो डेनिम नहीं है तो वो फिर चाइना मेड इन चाइना चाइना में सिंथेटिकली बनता है सबका फाइवर ये वो मिलेगा पर मैं आश्चर्य में यही था कि मैंने सोचा था जब अमेरिका गया था कि अपने दोस्तों के लिए अपने फैमिली के लिए कुछ ऐसी चीजें मैं लेके जाऊँ जो मैं जाकर जो है गिफ्ट करूं उस पर मेड इन अमेरिका लिखाओ मेड इन यूएसए लिखाओ मेड इन अमेरिका लिखाओ और आपको जानकर आश्चर्य होगा मुझे पूरे अमेरिका में एक चीज नहीं मिली ऐसी एक चीज मुझे ऐसी नहीं मिली जिस पर मेड इन अमेरिका लिखाओ मेड इन यूएसए लिखाओ साफ साफ इवन एप्पल का जो आईफोन होता ना आईफोन असेंबल्ड इन डिजाइंड इन कैलिफोर्निया असेंबल्ड इन चाइना ठीक है समझ गए तो मतलब अमेरिका जो है वो बड़ा सबसे बड़ा जो है वो बाहर से बनवा के लेके आता है अपने हमेशर हाँ के मुझे मेड इन होंडुरास भी कपड़े दिखाई पड़े तो एक्चुअली में जो कॉटन है इंडस्ट्री वो हमारे इंडिया का जो कॉटन है उसका बड़ा डिमांड है और बड़ा हाई क्वालिटी कॉटन बनता है यहाँ पर और यहाँ पे अरविंद मिल्स तमाम जो मिल्स है ये दुनिया भर की तमाम कंपनी बड़े बड़े ब्रांड के लिए कपड़ों कपड़े तैयार करते हैं और इस कॉटन इंडस्ट्री का दुश्मन है दुश्मन है कॉटन वॉल्वर देख रहे हैं आप स्क्रीन पर कॉटन वॉल्वर जो है कपास के को खा जाता है ऊपर कॉटन को बड़े पैमाने पर नुकसान हो है किसान ने बड़ी मेहनत किया उसने साल भर देख रहे किया, जो लगाया उसने और जब जब कपास निकलने को आया तो तो उसको कीड़ा खा गया एक्चुअली तो में कैश क्रॉप है जिसको बाहर बेच के नगदी मिलती किसान को उसको कैश क्रॉप कहते हैं कैश क्रॉप वो क्रॉप होती है किसान खा नहीं सकता है केवल बेच सकता है बेचकर उससे उसको नगदी मिलती है वो कैश क्रॉप होती है ठीक है

जब आप जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप कोई जीन पे छेड़ कर रहे हैं मैनिपुलेशन कर रहे हैं कुछ प्रोडक्ट आप ऐसा टॉक्सिन रहे हैं जो इंसेक्ट को मार सके के? तो अभी भी जो है सरकारी नियम है कि ऐसा फसल जिसका इस्तेमाल आप खाने के लिए कर रहे हैं उसके ऊपर साफ साफ लिखा होना चाहिए कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है आज कस्टमर के पास में इस बात की आज़ादी होना चाहिए कि वो खाना चाहता है नहीं चाहता के आज भी वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं कि यदि आपने बीटी टी ब्रिंजल खाया तो आपकी बॉडी में क्या होगा उसका नुकसान ठीक है आज भी इस बात को लेकर पूरी पूरी श्योरिटी नहीं है कि यदि ऐसी क्रॉप जो जेनेटिकली इंजीनियरिंग से बनाई गई क्रॉप है जो बीटी क्रॉप है उनको खाने से हमारी बॉडी को नुकसान होगा या नहीं होगा आज भी इस बारे में रिसर्च चल रही कंट्रोवर्सी आज भी बरकरार है लेकिन कपड़े का क्या है कपड़ा पहना है ना हमने के खाया तो है नहीं हमने तो कपड़ा तो पहन सकते हैं हम के टॉक्सिक भी केमिकल है जिसके अंदर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है वो कि इंसर्ट के लिए टॉक्सिक है हमारे लिए टॉक्सिक नहीं हो हम खा थोड़ी ना रहे कपड़ा कॉटन के साथ वही चीज है के? तो बीटी कॉटन है तो बीटी कॉटन में क्या क्या उन्होंने एक बैक्टीरिया होता है के यह बैक्टेरिया जो होता है ये बैक्टीरिया जो होता है इसको शॉर्ट में बीटी बैक्टीरिया बोलते हैं बीटी बैक्टीरिया क्या होता है इसके अंदर जो है वो एक तरह का प्रोटीन बनता है इसको हम क्रिस्टल प्रोटीन बोलते हैं और जैसे ही इंसेक्ट जो है इस क्रिस्टल प्रोटीन को खाता है तो इंसेक्ट के इंटेस्टाइन के अंदर क्रिस्टल प्रोटीन पहुंचता है और एल्कली मीडियम होता है इंटेस्टाइन में और ये प्रोटीन एक्टिव हो जाता है प्रोटॉक्सिन टॉक्सिन में कन्वर्ट होता है यानी जो क्रिस्टल प्रोटीन होता है शुरू में वो इनएक्टिव होता है लेकिन जैसे इंसेक्ट के इंटेस्टाइन में पहुंचता है वो एक्टिव हो जाता है और इंसेक्ट के इंटेस्टाइन में छेद कर देता है और इंसेक्ट जो है वो इंटेस्टाइन में छेद होने के कारण मर जाता है तो कॉटन बॉलवर्म ऐसे कॉटन को नहीं खा पाता जिसके वो हो। अब में कैसे लाया गया? हमने का प्लाज्मिड निकाल लिया जिसके वो था और उसको इंट्रोड्यूस कर दिया हमने अब कॉटन में जीन को आपने जोड़ दिया इंजीनियरिंग इस्तेमाल किया बन गया बीटी कॉटन ठीक है देखिए आप बैचल थ्रूजेंसिस बीटी जीन को इंसर्टेड किया हमने क्रॉप में ठीक है बेस्ट डाइ फीडिंग ऑन द एनी पार्ट प्लांट पार्ट कोई प्लांट पार्ट खाएगा वो डाई हो जाएगा ठीक है डाइल जो है वो तो सिंपल सी बात है बेटा कि जो क्रॉप है उसको आपको डैमेज नहीं कर पाएगा वो ठीक है क्या होता है मैंने आपसे कहा ना कि जैसे जो बैक्टीरिया होता है बैक्टीरिया बेसलस फ्रोज का जो जीन होता है वो वो उसका जीन जो है वो क्रिस्टल प्रोटीन को बांधता है और वो प्रोटीन बैक्टेरिया जो है वो इस बॉर्म को मार देते हैं उठ के अब ये हम देख रहे हैं बैक्टीरिया ये है बेस्लस फ्लोजिस बैक्टीरिया बैसिलस है मतलब किस शेप का है जल्दी बताओ बेसिलस है मतलब रॉड शेप बिटाट के चलो अच्छा आप, आपको एक होमवर्क देता हूं बताओ मेरे को यदि बैक्टीरिया इस शेप का है स्फेरिकल राउंड शेप है बैक्टीरिया तो इसका नाम क्या होगा बैक्टीरिया यदि जो है वो इस तरह का है एक चेन ऑफ राउंड है तो बैक्टीरिया को क्या बोलोगे यदि बैक्टीरिया जो है वो एक बंच ऑफ स्फेरिकल सेल है होमवर्क दे रहा हूं के बत करना पड़ेगा ये है ना कमेंट चेक करूंगा बेटा है ना ठीक है बंच बंच के समान है है सेल सेल ऑफ ठीक तो क्या बोलोगे बैक्टेरिया को आप ठीक है यदि बैक्टेरिया रॉड शेप दो सेल से बनाए तो क्या बोलोगे उसको आप बैक्टेरिया यदि कॉमर शेप है तो क्या बोलोगे उसे आप ठीक है बैक्टेरिया यदि स्पाइरल शेप है तो क्या बोलोगे उसे आप ठीक है चलो बताओ मेरे को बताओ ठीक ठीक है, है, बैसिलस मैंने आपको बताया है रॉड शेप अब बाकी आपको बतलाना है ठीक है अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें हम बीटी टॉक्सिन एक बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया का, तो का नाम है और शॉर्ट में इसको बोलते हैं बीटी क्या बोलते हैं बीटी बोलते हैं ठीक है हम बीटी बैक्टीरिया वर्ड यूज करेंगे बीटी टॉक्सिन जीन हैज बीटीटॉक्सिन क्लोन फ्रॉम दी बैक्टीरिया बैक्टीरिया से बीटी टॉक्सिन जीन को लिया हमने इसकी इसका क्लोन तैयार किया हमने इसकी कॉपी तैयार किया हमने ठीक है एंड हैज हैजिन एक्सप्रेस इन प्लांट टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट और प्लांट में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया हमने और ये जो है वो जो बगैर इंसेक्ट साइड की रिक्वायरमेंट के ये क्रॉप को जो है वो इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और एक प्रकार का ये जो है वो बायो पेस्टसाइड के रूप में काम करता है नेचुरली काम करता है के और इससे हमने क्या किया हमने कई क्रॉप तैयार किया हमने बीटी कॉटन को तैयार किया हमने बीटी कॉर्न तैयार किया बीटी राइस तैयार किया बीटी टोमेटो बीटी पोटेटो बीटी सोयाबीन और बीटी टी ब्रिंजल ये बड़ा कंट्रोवर्सी में रहा था इसलिए बीटी टी मालूम होना चाहिए ठीक है ये भी तैयार किया हमने

क्रिस्टल प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है और ये क्रिस्टल प्रोटीन जो है वो टॉक्सिक होते हैं किसके लिए वॉल्स के लिए ठीक है देखिए हम देख रहे हैं ये कॉटन वॉलवर्म को देख रहे हैं ये कॉटन वॉलवर्म जो है एक कपास के के, कॉटन जो है वो हिस्से को डैमेज कर रहा है जहां पर कॉटन प्रोड्यूस होता है कॉटन बॉल को खा रहा है ठीक है ये है एक नॉर्मल कॉटन ये कॉटन बॉल है बेटा ये नॉर्मल कॉटन है पकने के बाद ऐसा खुल जाता है यदि कीड़ा खा जाएगा इसको तो ये सब नहीं बन पाएगा पूरा क्रॉप डैमेज कर जाएगा ठीक है फाइबर डैमेज होगा चित्र में ये ही नहीं पाएगा तो इससे बड़ा पर फसलों को नुकसान होता है ठीक है अब पता होना चाहिए कुछ बातें जो एनसीआरटी ना ये, ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप ये पॉइंट जो है एक्स्ट्रा स्ट्रोक पॉइंट है यहाँ पे ठीक है नोट कर एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है अब ये ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव क्या चीज ये भी मैंने बताया के क्रिस्टन ग्राम ने की स्टेनिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया था आप मुझे बताएंगे जब मैं सेल वॉल पढ़ा रहा था ना तब मैंने आपको पढ़ाया था आप मुझे बताएंगे ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में ये सारे आंसर कमेंट में कर देना भी ठीक है ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में किसका इस्तेमाल करते हैं के, के, का नाम, नाम आपको बतलाना है समझ गए? ठीक है। मिट्टी में मिलता है को ये के और इसका commonly bio, biological group में हम करते हैं जब ये स्पोर का फॉर्मेशन करता है तब ये क्रिस्टल प्रोटीन का उत्पादन करता है जो प्रोटीनस इंक्लूजन होते हैं और ये हम अल्फा इनको हम जो है वो आ, क्या बोलेंगे इसको यार के इसको डेल्टा डेल्टा या लेमड़ा बोलेंगे मुझे नहीं पता भूल गया मिटके तो इसको एंडोटॉक्सिन बनता है समझ गए ना सिंबोल के बोलते हैं कि डेल्टा बोलते हैं मैं भूल रहा हूँ अब यार इतना फिजिक्स तो भूल गया बहुत दिन हो गए ना हम लोग अपने मेडिकल में यूज नहीं करते हैं सब चीजें तो हमने आपसे कहा कि ये एनोटॉक्सिन का हम इस्तेमाल करते हैं ये इंसेक्टिसाइडल एक्शन करता है ठीक है क्लियर अब आते हैं हम बीटी कॉटन पर बात करते हैं ठीक है बेसिक फंडा क्लियर हो गया हमको कि एक बैक्टीरिया है जब वो स्पोरुलेशन करता 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 है करता है तो करता है स्पोर फॉर्मेशन तब क्रिस्टल प्रोटीन का प्रोडक्शन इसका मतलब ये है कि उसके पास जीन होता है और वो जीन उसके लिए क्रिस्टल प्रोटीन को बनाता है और क्रिस्टल प्रोटीन जो है वो इंसेक्ट के लिए डेंजरस होता है यदि एक प्लांट के अंदर क्रिस्टल प्रोटीन का उत्पादन होने लगे तो इंसेक्ट उस प्लांट को नहीं खा पाएंगे क्लियर ये बेसिक फंडामेंटल है तो करना क्या है करना यह बैक्ट्रा का वो बीटी वो वो इंट्रोड्यूस कर देना है और वही किया हमने बीटी कॉटन बीटी कॉटन प्रोड्यूस प्रोटीन दैट किल सर्टेन इंसेक्ट और ये इंसेक्ट किस कैटेगरी में आते हैं मालूम होना चाहिए लेपिडोपट टोबिको वर्ड वर्म आर्मी वर्म कोलेपटेर बीटल्स

एंड यदि इतने टॉक्सिक है ये प्रोटीन तो बैक्टीरिया खुद से क्यों नहीं मर जाता भाई टॉक्सिन तो टॉक्सिन होता ना चाहे कोई भी लिविंग सेल उस पर काम करेगा उसके तो एक्चुअली में होता ये कि बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अंदर क्रिस्टल प्रोटीन जो होते हैं वे इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में होते हैं के अंदर एलक्लाइन पीएच नहीं होता है जब ये प्रोटीन इंसेक्ट की इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचते हैं और वहां पर एक्टिव होता, होता है और इंटेस्टाइन में, में प्रोटीन वो छेद कर देता है इंसेक्ट वो मर जाता है क्या लिखा है एक्चुअली सब के एक्चुअली बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज एन इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन टॉक्सिन में जो है वो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के रूप में होता है जैसी वंस एन इंसेक्ट इंजस्ट दी इनएक्टिव टॉक्सिन जैसी इंसेक्ट इस इनएक्टिव टॉक्सिन को इंजेस्ट करता है इट इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन ड्यू टू एलक्लाइन पीएच ऑफ द गट के तब इंटेस्टाइन के अंदर एलक्लाइन पीएच पर ये प्रोटीन एक्टिव रहता है टॉक्सिन में कन्वर्ट होता है ना

बीटी टॉक्सिन क्या है बेटा ये एक येक्ट्रिया के अंदर होगा प्रोटॉक्सिन के रूप में होगा इंटेस्टाइन इंसेक्ट के इंसेक्ट में पॉइंट ऐसे बेटा जो एक्स्ट्रा स्टोक पॉइंट है वो हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे है ना एम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिलसिस वॉज डिस्कवर्ड एंड अर्न्स्ट वर्नर की खोज जो है वो और आंस्ट वर्लाइनर ने की थी ठीक है और जो बेसलस थ्रोज होता है ये यह सीरियस एक सॉइल बैक्टीरिया होता है बेसलस एंथसिस एंथ्रेक्स को उत्पन्न करने वाला बैक्टीरिया होता है मालूम एंथ्रक्स बीमारी एनिमल्स में होती है मैंने बताया था आपको तो एंथ्रेक्स जो जो बीमारी है एंथ्रस करता है एंथ्रेसिस जो है वो एंथ्रेक्स बीमारी को करने वाला बैक्टीरिया है वह सॉइल बैक्टेरिया है तो उन्हीं की कैटेगरी का बैक्टीरिया ये होता है होता है।, होता है और इन तीनों बैक्टीरिया में बैसल थ्रोजिस बैसलस सीरियस और बैचलस एंथ्रेसिस में तीनों में जो फर्क होता है वो केवल प्लाज्मिड का डिफरेंस होता है इनमें ठीक है ठीक तो इसका मतलब यह ये और आपको बता दूं मैं कि ये ये बैक, बैक्टीरिया जो होते हैं जो बेसलस ग्रुप के बैक्टीरिया होते हैं ये एंडोस्पोर को प्रोड्यूस करते हैं और ये सभी एरोबिक बैक्टीरिया होते होते हैं होते हैं वायवी जीवाणु ठीक ठीक है फिर एक साइंटिस्ट है नोट कर लीजिए जखेरान रशियन साइंटिस्ट जखेरान फर्स्ट रिपोर्टेड द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड इन बेसलसिस एंड सजेस्टेड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्लाज्मिड इन क्रिस्टल फॉर्मेशन सबसे पहले जखीराइन ने बताया कि बैचलर थ्रोजेनेसिस के अंदर एक प्लाज्मिट पाया जाता है और संभवतः यही प्लाज्मिट जो है वो क्रिस्टल प्रोटीन के फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है भाई जानकारी तो होना चाहिए ना हमें कि ये प्रोटीन मिला कहां से तो ये जानकारी जो है नहीं है उसको हम यहाँ पे समझ समझनेट के तो मालूम है जखीरान ने बताया कि बैचलर थ्रोजेनेसिस में एक प्लाजमिट होता है और वो प्लाज्मिट ही जो है वो क्रिस्टल प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ठीक है तो ये क्राई प्लस जीन का वेरिएंट है इस इस प्लाज्मेट पर हमको जो है वो क्राई प्लस जीन जो है देखने मिलते हैं और ये बड़े साइज का लार्ज प्लाज्मेट होता है और उसमें हमें क्राइप जीन के जो है क्राइजीन क्या है क्राई जीन वो जीन है जो क्रिस्टल प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं उसके कई सारे वेरियंट देखने मिलते हैं मतलब ये एक जीन नहीं है क्राई के जीन के कई सारे अलग अलग टाइप होते हैं ठीक है क्लियर फिर क्या ये कोई नई बात थी कि हम बैक्टीरिया के स्पोर को देखिए जब तक हमको जीन की पूरी जानकारी मेरी बात ध्यान सुनी जब तक जीन की हमें पूरी जानकारी नहीं थी तब भी हम इस बैक्टेरिया का इस्तेमाल कर रहे थे हम हम इस बैक्टेरिया के स्पोर को यूज करते स्पोर को हमने इकट्ठा किया और फसलों में हम स्पोर को छिड़क दिया करते थे क्रॉप में स्पोर को छिड़क दिया करते थे उससे भी काम बनता था लेकिन जब हमने जीन को क्रॉप में ही डाल दिया तो स्पोर को छिड़कने का रिक्वायरमेंट भी खत्म हो गया ठीक है स्पोर एंड क्रिस्टलाइन इंसेक्टाइडल प्रोटीन प्रोड्यूस बायसिस हैव बीन यूज टू कंट्रोल इंसेक्ट पेस्ट सिंस 1920 ट्वेंटी से बीस से लेकर से हम 1920 के आसपास से लेकर हम जो है काफ़ी लंबे समय तक जो है वो बेस्लस थ्रोज के प्रोटीन और स्पोर का इस्तेमाल जो है वो इंसेक्ट कंट्रोल करने में करते आ रहे थे हम ठीक है और मार्केट में ये आज भी अवेलेबल है डाइपेल के नाम से और थ्रूरी के नाम से के थ्रीसाइट और डाइपेल जो है बेसिकली वो एंडोस्पोर है इंसेक्टसाइडल प्रोटीन है जो बेस्लस थ्रोजेंसेस से मिलते हैं तो डायरेक्टली आइसोलेट करके हम फसलों में उसको छिड़क देते हैं ठीक है और ये बड़े इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं और इनका ह्यूमन पॉपुलेशन पे जो है वो जो है कोई गंभीर प्रभाव नहीं होता है दूसरे पॉलिनेटर दूसरे काम के इंसेक्ट इनसे नहीं मरते हैं केवल एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंसेक्ट इससे ख़त्म होता है जो फसलों के लिए हार्मफुल होता है तो इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि इनका इस्तेमाल करना हमारे लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि हमको कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है इसमें और जो हमारे काम के तितली हुए बटरफ्लाइज हुए और जो दू दूसरे दूसरे बीटल्स हैं है, जो यूजफुल हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं एंटोमोफिली में हेल्प करते हैं वो इंसेक्ट डिस्ट्रॉय नहीं होते इससे ठीक है क्लियर बेल्जियम के कंपनी थी के नाइन एक बेल्जियन कंपनी थी प्लांट जेनेटिक सिस्टम अभी भी कंपनी एक बेल्जियन कंपनी है प्लांट जेनेटिक सिस्टम्स इसने पहली बार उन्नीस में जो है वो बैचल

आपको दादू मिनट के यानी इसके कई सारे आज बीट जो है बेस्टस थ्रोजेसिस बैक्टेरिया की कुछ वैरायटी ऐसी है जिनका इस्तेमाल मॉस्किटो कंट्रोल में भी करते हैं ये सब जनरल नॉलेज की चीजें पता होना चाहिए गुट के तो बेस्टलेस थ्रोजेसिस सिरोवार इजराइलेंसिस जो है वो ये एक ऐसा स्ट्रेन है बेसलेस बीटी का जिसका उपयोग जो है वो लार्वी साइड के रूप में करते हैं मास्किटो लार्वा को खत्म करने के लिए के। तो इसके जो स्पोर्स होते हैं प्रोटीन होते हैं उनको हम जो है वो लेक में छिड़क देते हैं और उसके चलते है जो है वो मास्किटो लार्वा खत्म हो जाता है ठीक है थीके? अब आज बात करते हैं मैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है इसके बारे में देखो स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स ये क्या होते हैं ये होते हैं क्राइजीन क्राइजीन वेरिएंट्स इसोलेटेड फ्रॉम बेसिलस थ्रोजेंसिस एंड इनकॉर्पोरेटेड इन टू दल क्रॉप प्लांट सच एस कॉटन के तो हमने क्या किया हमने स्पेसिफिक जो बीटी टॉक्सिन जीन थे जिनको क्राइज इन वेरियंट था उनको निकाला हमने बेसिलस थ्रूजेंसिस से और उनको फसलों में मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया ठीक है ना याद रखिये कौन सा जीन यूज करेंगे ये डिपेंड करता है चॉइस ऑफ जीन डिपेंड करता है कि क्रॉप क्या है कौन सी क्रॉप में डालना है आपको उस पर कौन सा इंसेट अटैक करता है कौन सा पेस्ट अटैक करता है जैसे कॉटन है तो कॉटन अगेंस्ट हमने जीन चाहिए हमको कॉर्न है मक्का है तो कॉर्न बोरर जो मक्का में छेद करता है उसके लिए हमको जीन चाहिए ठीक है तो कॉर्न बोरर वाला क्रिस्टल प्रोटीन डिफरेंट होगा कॉटन वाला वॉलवर्म वाला क्रिस्टल प्रोटीन डिफरेंट होगा तो दोनों जीन डिफरेंट हो जाएंगे है ना

जिसको हम क्राइजिन भी कहते हैं अब क्राइजिन के कई अलग टाइप होते हैं और डिफरेंट टाइप का को कोड करते हैं याद रखना ये वेरी वेरी आई वेरी वेरी आई ठीक है क्राई फर्स्ट एसी और क्राई ई फर्स्ट ए सी क्राई सेकेंड ए बी का इस्तेमाल हम कॉटन बॉलवर्म के लिए करते हैं यानी वो जीन जिनका इस्तेमाल हम कॉटन बॉलवर्म को के प्रोटेक्शन के से से कॉटन को बचाने के लिए करते हैं उस उन, उन जीन का नाम क्या है उन जीन का नाम है बेटा क्राई फर्स्ट ए सी और क्राई सेकेंड ए बी और क्राई फर्स्ट ए बी इसका उपयोग हम कॉर्न बोरर के लिए करते हैं तो ये नोट कर लेना अटके नोट करके बेटा निकल के ऊपर दीवार पे कहीं लगा देना अटके ताकि भूलें नहीं आप इसको उठके याद रखना पड़ेगा इट के तो क्राई फर्स्ट ए

अभी स्टोरी आगे बढ़ेगी अभी अभी हमने बीटी के केवल केवल के हमने कॉटन में इस्तेमाल की बात की है और जीएम क्रॉप का हमने केवल एक ऑस्पेक्ट देखा है हम आगे बात करेंगे कि क्या जीएम क्रॉप के और भी पॉसिबल इस्तेमाल है क्रॉप एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी और क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्लेवर सेवर टोमेटो वैरायटी क्या है ब्रासिका नेपस का कैसे इस्तेमाल किया गया के? कैसे हीरोडिन को हम जो है वो सरसों से बना पा रहे हैं जो जोक जोक के अंदर मिलता है केमिकल के तो कुल मिलाकर हम बात करेंगे अभी आने वाले और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि गोल्डन राइस का प्रोडक्शन कैसे हुआ ठीक है तो हम जो एनसीआरटी में छिपी हुई बातें ना उनको हम समझने की कोशिश करेंगे ठीक है तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है तो आज इसको बड़े ध्यान से सुनिए पढ़िए बेटा और एनसीआर को एक बार रीड कर लिया करो तो साथ में हालांकि मैं पूरा सौ परसेंट एनसीआर कवर करता हूं ठीक है लेकिन तब भी बुक एक बार देख लो तो कॉन्फिडेंस आता है जो इंपॉर्टेंट चीजें बताई है मैंने वो नोट भी करना है आपको और याद भी रखना है ठीक है बेटा तो अच्छे से पढ़िए मेहनत कीजिए बिल्कुल डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है आपको आपके हाथ में सब कुछ कंट्रोल है बेटा याद रखिए इस बात को क्योंकि हमारा एक दिन का डिप्रेशन एक घंटे का डिप्रेशन भी हमको हमारे लक्ष्य से पीछे करता है और इस समय हमारे हमारे इस समय हम अपने आप को चुनौती देते हैं कोई दुनिया की ताकत हमको हमारे लक्ष्य से पीछे नहीं कर सकती हमको मेहनत करना है मेहनत करना है मंजिल तक पहुंचना है ठीक है और आप पहुंचेंगे बेटा ऑल द बेस्ट तो लेक्चर को आपने बड़े सबर से सुना और बहुत कुछ सीखा आपने और तैयार रहेगा इस पर भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और बेटा जो भी हम पढ़ रहे हैं ना उनको हमें जानने के लिए पढ़ना है कई बार हम एग्जाम से बांध लेते हैं कि हमको रटना है याद नहीं कुछ नहीं रटना आपको सब समझना है मैंने आपसे कहा ना कि बायोटेक्नोलॉजी मैंने आपको जिसे पढ़ा रहा हूं वो सबसे सिंपलेट तरीका है उसमें हम इंटरेस्ट के साथ में चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है थीके? तो बेटा कोई डाउट है तो पूछिए मुझसे इसको मैं आपको क्लियर करूंगा उसको लेकिन पूरा फोकस रखिए बेटा अपनी स्ट्रेंथ को जो है वो बनाए रखिए और हमेशा चम कर मेहनत कीजिए और हमेशा अच्छे सपने देखिए अच्छी उम्मीदें रखिए नकारात्मक नेगेटिव मत सोचिए पॉजिटिव सोच रखिए अच्छा होगा बेटा ऑल दी बेस्ट हाय टू बिकमेन बायोमेट्रिक ज्वाइन असर डब्ल्यू डब्ल्यू जॉइन अस एट डॉट ऑनलाइन यू कैन सॉली प्रैक्टिस एन ऑनलाइन टेस्ट यू कैन डाउन लाउट परफॉर्मेंस एनहैंसमेंट चीट You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download by a mentors online app from Google Play Store.